हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। आज बहुत बड़े क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल ही हाल ही में जो है JKSSB की तरफ से जो है एग्ज़ाम कैलेंडर को आउट किया गया है, और जिसमें बताया गया है कि आपका फा का एग्ज़ाम जो है वो सेकंड वीक ऑफ मार्च में जो है कंडक्ट होगा, और आपका VLW का बड़ा एग्ज़ाम जो है वो होगा फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में। तो ये दो बड़े एग्ज़ाम जो है, और इसके साथ साथ JEE का एग्ज़ाम भी है जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में है शायद। तो ये तीन बड़े एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करने जा रही है आपकी एपटेक कंपनी। तो JKSSB ने इसका नोटिस जो है, एग्जाम कैलेंडर जो है, वो आउट कर दिया है। तो गाइज अब डिस्कस करेंगे कि क्या सच में ही एपटेक जो है आगे जो है रहने वाली है कंपनी। अगर इतने जल्दी एग्जाम JKSSB ले रही है, तो इट मींस कि एपटेक ही एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करने वाली है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस जो है JKSSB दिखा रही है। एग्ज़ाम कैलेंडर को आउट कर दिया, और एपटेक कंपनी के ऊपर जो है अभी तक का केस जो है वो चल रहा है। इसका मामला अभी कोर्ट केस में है। तो 2 फेब को हमें राइटली जो है वो पता लगना है कि 2 फेब को कि क्या एपटेक जो है आने वाले एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करने जा रही है या नहीं जा रही है। अगर एपटेक को जो है एपटेक के फेवर में जो है हाई कोर्ट डिसीजन दे देता है, तो एपटेक इन एग्ज़ाम को हो सकता है कि इन्हीं डेट पर जो है कंडक्ट कर ले। लेकिन अगर एपटेक को जो है हाई कोर्ट कहती है कि इसको क्वेश किया जाए और दूसरी कंपनी को जो है लाया जाए, तो फिर जो है JKSSB को 1 से 2 महीना जो है वो नई कंपनी जो है हायर करने में लग जाएगा। तो ये कैलेंडर का कोई मतलब जो है नहीं बचने वाला है। लेकिन गाइस अब क्वेश्चन आता है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें। तो इस वक्त स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या आपको 2 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए, तब तक आप इंजॉय करें ऐसा करना चाहिए, या फिर 2 तारीख तक आपको जो है किस स्ट्रेटजी के साथ जो है आगे चलना चाहिए, ताकि क्या एपटेक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी नहीं करेगी, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन, कुछ के दिमाग में उठ रहा होगा कि नहीं करेगी तो वो नहीं पढ़ रहा है, कुछ के एग्ज़ाम में ये कर रहा है कि हाँ एपटेक जो है कंडक्ट कर लेगी तो वो पढ़ रहा है। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि आपको क्या करना है कि 2 फेब को हमें पता चलना है कि एपटेक आने वाले एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हमें 2 फेब का इंतज़ार नहीं करना है। आपको जो है FAA की तैयारी जो है वो शुरू कर देनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि JKSSB की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ये डिसीज़न आ जाए कि एपटेक इज़ गोइंग टू कंडक्ट ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम्स, तो उस वक्त आप क्या करोगे? क्योंकि उस वक्त आपके पास जो है लगभग 1 महीना तब भी होगा फा के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे 7 को आपका इलेक्शन असिस्टेंट का एग्ज़ाम है शायद 7 फेब को, तो उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन आप बिल्कुल हक्के बक्के रह जाओगे। तो इसलिए अगर किसी का 7 को पेपर है, किसी का 17 को पेपर है, तो उन चीज़ों को वो जो है अच्छे तरीके से जो है अभी पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनका एग्ज़ाम जो है वो एपटेक ही कंडक्ट कर ले, तो आप जो हो जाओगे उस टाइम पर खजल। तो इसलिए आपने अपनी तैयारी को रखना है। बाकी एपटेक की अगर बात करें, तो बहुत सारी लूप होल्स जो हैं एपटेक के देखने को मिले हैं JKPSI के एग्ज़ाम में, जैसे कि आंसर की का पहले लीक हो जाना। दूसरा लूप होल जो है कि जो आंसर्स बच्चों ने लगाए हैं वो आंसर्स ही वहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। तो ये चीज़ें JKSSB के लूप होल्स ज़रूर जो है पेपर में एपटेक की तरफ से देखने को मिले हैं। वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ एपटेक, ये मैं कहूँगा कि हम जो है एपटेक के फेवर में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स जो है एपटेक कंपनी में जो है देखने को मिली है, और बहुत सारी स्टेट्स में ये ब्लैक लिस्टेड भी है। तो हम इसके फेवर नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि कोर्ट इस पे क्या डिसीज़न देता है। लेकिन तब तक आपको जो है चीज़ों को जारी रखना है। जिसका 7 को पेपर है या जिसको फेब के एग्ज़ाम जो है, उनको अपनी जो है स्टडीज़ को फर्दर जो है तेज़ तरीके से रखना है। बाकी मैं एक और वीडियो आपके लिए ले आऊँगा कि फा और VLW के एग्ज़ाम को जो है साइमल्टेनियसली दोनों एग्ज़ाम को हम जैसे कैसे क्रैक जो है कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके साथ साथ मैं अगर आपको बता दूँ कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर हम डेली MCQ सॉल्व करते हैं। आज भी हम जो है डेली MCQ वहाँ पर लगा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो अगर आप डेली MCQ वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू।